Can sleep disorders, lack of sleep, insufficient sleep lead to developing the risk factors of diabetes 2, that is DM2? The answer is yes. आज बात करेंगे नींद की कमी की वजह से डायबिटीज बॉडी में किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से आप डायबिटीज का शिकार होते हो. मैं डॉक्टर रूही खान, MD, थायराइड स्पेशलिस्ट फ्रॉम जारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हैदराबाद. आज का टॉपिक है नींद की कमी की वजह से डायबिटीज किस तरीके से आपकी बॉडी में स्टार्ट होती है, या आप डायबिटीज के मर्ज किस तरीके से बन जाती हो. पहले के दिनों में 60s या 70s की एज में किसी को डायबिटीज या शुगर है ऐसे पता चलता था, लेकिन आजकल यंग जनरेशन इसका बहुत तेजी से शिकार हो रही है. इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि नींद की कमी. जब इंसान मुकम्मल नींद नहीं कर पाता या 8 घंटे की अच्छी खासी नींद मुकम्मल नहीं होती, तो उस वजह से उसके जिस्म में सफरे की ज्यादती हो जाती है. जब आप रात भर जागते रहोगे या मुकम्मल नींद नहीं होगी, तो उस वजह से सफरे का प्रोडक्शन, बाइल सॉल्ट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है. उस सफरे के प्रोडक्शन की वजह से आपके पैनक्रियाटिक सेल्स डैमेज होते हैं, जो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. मल्टीपल स्टडीज एंड रिसर्च हैव शोन दैट रिपीटेड अवेकनिंग ड्यूरिंग नाइट और लैक ऑफ स्लीप और इनसफिशियंट स्लीप कैन लीड टू developing the risk factors of glucose intolerance in your body. इसका मतलब ये है कि अगर आप रात भर जागते रहेंगे या आप रात में प्रॉपर नहीं सोएंगे या लगातार जागते रहेंगे, तो उस वजह से आपकी बॉडी ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगी. जब सफरा जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी हीट प्रोडक्ट यानी जिस्म में हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाएगा. उस सफरे की मौजूदगी में पैनक्रियाज अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा और वो इनफ इंसुलिन नहीं डेवलप कर पाएगा. तो इस ये एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न है डायबिटीज़ की वजह से. लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही यंग जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है, ना ही ओल्ड सिटीजन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं. रात भर जागते रहने से बहुत बड़े बड़े बीमारियों का शिकार आप हो सकते हो. सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, BP सेकेंड एंड कैंसर नाउडेज बहुत ज़्यादा रनिंग एक आपके जिस्म में सेल्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं. कैंसर बहुत तेज़ी के साथ आपके जिस्म में लाहक हो सकता है. तो आप अपनी नींद पर फोकस करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए. जिस तरह से आप हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे, उनकी हदीसों पर चलेंगे, तो आप अल्लाह के फरमाबरदार बनेंगे और बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे. नींद का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है. 8 घंटे की नींद आपको मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी हयात को लंबी करना चाहते हैं, तो अपनी नींद पर फोकस करिए. थैंक यू सो मच.